नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल रहे, अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10 जनवरी को पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें क्या किया उन्होंने, सी टेट की रिवाइज डेट शीट जारी की है। सी टेट का जो पेपर का 1 है वो है कक्षा 1 से 5 के टीचर के लिए, और पेपर 2 है वो 6 से 8 के टीचर के लिए। यहाँ दो चीज़ नोटिस करनी है, 17 तारीख मंडे को पेपर है तो फिर 21 को फ्राइडे को एक पेपर है, वो डबल शिफ्ट में, एक पेपर सिंगल शिफ्ट में है। हरियाणा के बच्चों को ये सी टेट क्यों अच्छे से देना चाहिए मैं बता दूं, अगर किसी का एच टेट का पेपर बिगड़ा है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर बिगड़ा है और क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो हमने आज HSSC चेयरमैन खदरी जी के इंटरव्यू में भी देखा था कि टीचर की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो ये PGT के लिए तो खैर फ़ायदेमंद नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि PGT का तो एच टेट ही होता है, सी टेट अभी हो नहीं रहा। लेकिन जो हमारे 29/9/2021 को एक लेटर जारी किया गया था, वो 6 सितंबर 2021 की अनुपालना में कहा गया था भाई, सी टेट को है वो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के इक्वल मान लिया गया, तो अब हरियाणा में जो टीचर की वैकेंसी आएगी उसमें सी टेट क्वालिफायर हैं वो भी एलिजिबल होंगे, तो ये पेपर आप बहुत अच्छे से कंडक्ट कीजिए, बहुत अच्छे से दीजिए, क्योंकि परीक्षा की नोटिफिकेशन आने में 1 से 2 महीने लगेंगे, तब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो बच्चे टीचर बनने के इच्छुक हैं या एक जॉब के रूप में टीचर की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा उन सभी को ये कहना है कि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दें। एक हफ्ता पेपर 2nd की 1st शिफ्ट को पढ़ाएं। वहीं अगर हम बात करें 21 तारीख को, यानी आज से 11 दिन बाद पेपर 1st और 2nd की, जो 1st और 2nd शिफ्ट का पेपर होने वाला है, आपके पास 7 से लेकर 11 दिन है, तो अच्छे से तैयारी करके अपना जहाँ भी सेंटर आता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा कम्प्लीटली, पेपर जरूर दे ताकि अगर आप क्वालिफाई कर दे तो हरियाणा में आने वाली भर्तियों के लिए एलिजिबल रह सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।